Good morning, friends. So today's topic for the session is scam. Not exactly the all scams what you see in the market, but yes, word जैसे सामने आता है, तो हमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा scam याद आता है, जो आज का topic है हर्षद मेहता scam. Okay? Knowing the facts about what exactly was the scam, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या करेंगे हम लोग ये scam के बारे में जानकर, जो हो गया वो तो बीत गया सर. बट ऐसा है कि इससे रिलेटेड जो लूप होल्स आज भी सिस्टम में रह सकते हैं, तुम ढूंढ सकते हो शायद उसको, राइट? तो पहले ये केस को जान लो ताकि तुम तुम्हारा एक्स्ट्रा ब्रेन यूज कर सकते हो. लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट वाज एग्जैक्टली हर्षद मेहता स्कैम. ओके, जनरली ये वर्ड सामने आता है स्कैम, तो ये क्या होता है? लोग या कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई एक ऐसे एंटिटी फॉर्म किया जाता है एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्संस के थ्रू, जो क्या करते हैं कुछ एक मार्केट में स्कीम लाते हैं जिससे ऐसे लगे लोगों को कम समय में बहुत फायदा हो रहा है, या लोगों को ऐसे लगता है कि उनका पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल होगा. ओके, और वो उस अट्रैक्शन के कारण उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑब्वियसली उसके बदले में स्कैम बाद में बाहर आता है. ओके, तो लोग इनडायरेक्टली मे बी इंडिविजुअल पर्सन, मे बी ग्रुप ऑफ पर्सन, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू कॉन यू. ओके, एक फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है आपके साथ, बस आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि ऐसा कुछ कम समय में अगर जल्दी पैसा डबल ट्रिपल मिले तो आपको उसमें एंटर नहीं करना चाहिए. इसलिए सेबी आजकल एक ऐड देता है, आपको आपने सुना रहेगा तो कभी, राइट? इन्वेस्टर्स कभी भी अलर्ट रहो, कम समय में अगर आपको जल्दी डबल पैसा ट्रिपल पैसे की कोई अगर आपको रिटर्न एश्योर करता है तो ऐसे रिटर्न से दूर रहो, और सेबी ऐसे रिटर्न्स को अप्रूव नहीं करता है. लेट्स सी एग्जैक्टली हर्षद मेहता केस में क्या हुआ था. दिस पर्सन हर्षद मेहता, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ही वाज, क्या ग्रेजुएशन, मतलब उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह क्या रहेगा, या ऐसा था कि वो सीए थे वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं ना? तो क्या थे वो, स्टॉक ब्रोकर, तो टी वेंडर है ना? आजकल चाय बेचने वाले भी बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, इसलिए टी वेंडर पूछ सकते. बेसिकली हर्षद मेहता के कुछ बैकग्राउंड को जान लेते हैं. दिस पर्सन हर्षद मेहता, ही वाज बोर्न इन द ईयर 1954 इन गुजरात स्टेट राजकोट डिस्ट्रिक्ट, एंड ही वाज फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड. ही ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई कॉलेज, and then after that he got into the profession of stock broking. Okay, stock broking profession mein enter hui hai, tab tak sab sahi chal raha tha shayad inki zindagi mein. Okay, fir uske baad jaise jaise stock broking mein aage badhne lage to unhone dheere dheere job experience liya, kuch almost 8 saal unhone alag alag companies mein kaam kiya, jaise ki new india assurance company sabse pehle start karne ke liye, aur wahan se wo shift hue jahan se wo actually broking house mein jana shuru kiye. ब्रोकिंग हाउसेज में ये कुछ ब्रोकिंग हाउस है, पी अम्बालाल एंड देन जेल शाह शुक्ला, ये सब ब्रोकिंग हाउसेज जो मुंबई के उस वक्त के टॉप ब्रोकिंग हाउसेज थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, एंड फिर खुद के भाई के साथ मिलकर एक कंपनी फॉर्म की 1984 में. जिस कंपनी का फॉर्मेशन उन्होंने किया था उस कंपनी का नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ग्रो मोर, ट्रिमेंडस मोर ग्रो हो गए, कम समय में बहुत ही ज्यादा ग्रो होने वाली ये कंपनी थी. 1984 में ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी स्टॉक ब्रोकिंग हाउस, ये कंपनी फिर बीएससी का ब्रोकर बनके आगे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए. पहले क्लाइंट को सर्विस देना इन्वेस्टमेंट्स के, और उसके बाद बीएससी का ब्रोकर बन जाना. यहां तक भी सब कुछ सही चल रहा था, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बीएससी के ब्रोकर बन सकते हो, सब कुछ लीगल है. जॉब करना ब्रोकिंग हाउसेज में और वहां से खुद की कंपनी खोलना 1984 में. देन फ्रेंड्स इसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग हाउस खोलने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था स्कैम में, स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या हुआ था जो उस वक्त ऑलमोस्ट हजारों लोगों ने सुसाइड के अटेम्प्ट भी किए. ओके, देखते 1990 हर्षद मेहता ने क्या किया, मार्केट में एंटर करना स्टार्ट किया फॉर बाइंग स्टॉक हेविली, और उन्होंने स्टॉक के रेट्स कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए. ये कुछ स्टॉक के मैंने नाम मेंशन किए जिन स्टॉक में उन्होंने डील किया था. तो आप उसमें से सोच रहे होंगे सर गलत क्या है, सर स्टॉक मार्केट में एंटर किया है और स्टॉक मार्केट का रेट बढ़ रहा है, शेयर बाय करना गुनाह है क्या? शेयर बाय करना गुनाह नहीं है, बट लॉबिंग करके शेयर के प्राइसेस बढ़ाना
ये ऑब्वियसली गुनाह है। लॉबिंग करना क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड दे डिसाइड दैट ये शेयर को हमें रैली करना है। रैली करना है मतलब उछालना है। फिर वो क्या करते हैं, बाइंग 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 प्रेशर लाते उस शेयर में, और डिमांड साइड उस शेयर का जो है वो ट्रिमेंडसली बढ़ने लगता है। ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली अगर एक शेयर का डिमांड बढ़ने लगेगा तो उस शेयर का मार्केट में दाम बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। और क्या होता है फिर, धीरे धीरे शेयर प्राइस बढ़ता है। और ये सब करने के पीछे ना टिप्स का रोल भी बहुत मैटर करता है। शेयर मार्केट में टिप्स आते हैं, आपको पता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर्षद मेहता को अगर अपोलो टायर्स का शेयर का रेट बढ़ाना है, इसमें अपोलो टायर्स भी नाम लिखा है, अपोलो टायर्स का अगर उसको रेट बढ़ाना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपोलो टायर्स के बारे में न्यूज एक टिप के तौर पे मार्केट में लाएगा। ऑब्वियसली हजारों लाखों टिप्स दिन के मिलते, पब्लिक ने उस टिप को इग्नोर किया। टिप में लिखा था बाय अपोलो टायर्स एट सो एंड सो रेट, टारगेट रेट सो एंड सो। अब 100 रुपए का शेयर है सपोज अपोलो का, तो 100 रुपए का आज का शेयर है, टारगेट रेट वो देता था 180 का, और वो बोलता था बाय एट 110-105। पब्लिक इग्नोर करता था उस मैसेज को, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैसेज हर्षद मेहता से डायरेक्टली थोड़ा ना आता है, वो मैसेज तो सर्कुलेट होता है मार्केट में। और वो जो लॉबी थी जो कंटिन्यूअसली पैसा पंप इन करती है, ये मैं हर्षद मेहता की बात नहीं कर रहा हूं, लॉबिंग समझा रहा हूं मैं आपको अभी। तो लॉबी में क्या होता है, डिसाइडेड ग्रुप ऑफ पीपल साथ में उस मार्केट में एंटर करते हैं, उस शेयर में एंटर करते हैं। शेयर के कंटिन्यूअसली डिमांड साइड बढ़ने की वजह से 100 का दाम 105, 108, 110 भी पहुंच जाता है। धीरे धीरे ये शेयर प्राइस 115, 120 होता है। जिन लोगों को मैसेज आया था उनको याद आता है, अरे अपोलो टायर्स का टारगेट रेट 180 है एंड बाय एट 110 बोला था, 110 क्रॉस हो चुका है, 115, 20 हो चुका है। ये लोग सोचते बाय करे क्या, बाय करे क्या, एंड फिर और ये लोग लॉबी वाले लोग और पैसा पंप इन करके उसका शेयर और प्राइस बढ़ाते हैं, एंड कंटिन्यूअसली प्राइस राइज होकर 140, 150 पहुंच जाता है। तब जो जनरल पब्लिक हम जैसी है, जिनको ऐसे टाइप के मैसेजेस आए थे, ये उस टिप पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना पैसा अपनी जेब से उस शेयर में लगाना स्टार्ट करते हैं। बट उन्होंने कब एंटर किया, 150-160 पर एंटर किया, और तब लॉबी वाले लोग एग्जिट कर देते हैं मार्केट से, क्योंकि उन्होंने जो शेयर प्राइस बढ़ाया था वो ऑलमोस्ट 145-150 तक था, और उसके ऊपर जो भी शेयर प्राइस बढ़ा 160-170 तक, वो शेयर प्राइस तो ऑब्वियसली पब्लिक ने बढ़ाया है उनका पैसा डालकर। और जब उनका पैसा डालकर 20-30 रुपए 40 रुपए शेयर और ऊंचे जा चुका है, तब इनके पास तो लाखों शेयर है, ये एक साथ वो शेयर सेलिंग के लिए रख देते, और सेलिंग प्रेशर सामने आने के बाद डायरेक्टली मार्केट प्राइस क्रैश हो जाता है इससे। तो इसमें गलत क्या हुआ, इसमें फंडामेंटल हिल गए मार्केट के पूरे। मार्केट शुड वर्क प्योरली ऑन डिमांड एंड सप्लाई बेसिस, दिस इज आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ डिमांड व्हिच ऑब्वियसली इज नॉट अलाउड इन द मार्केट। बट कहानी सिर्फ यहां तक नहीं थी कि शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ाना, प्राइस बढ़ाने के लिए इतने साधारण इंसान के पास पैसा कहां से आया, तो बैंक से पैसे लिए, लोन लेके लिए, देखते क्या किया एग्जैक्टली उसने। He manipulated the stock market, what I told you, lobbying type में, and the share prices were rising tremendously. Exactly कैसे हुआ ये सब देखते। आपने इस कंपनी का नाम सुना है ACC, okay? इस कंपनी को तो उसने बहुत खतरनाक तरीके से टारगेट किया। लॉबिंग का अगर इम्पैक्ट देखना है आपको, आपको अगर देखना है कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होने के बाद में एग्जैक्टली उसका रिपरकेशन क्या हो सकता है, तो ये देखिए, ये ACC सीमेंट का शेयर जो था 200 रुपए पर शेयर पे ट्रेड करने वाला शेयर, जब उसने निवेश करना स्टार्ट किया इस शेयर में, तो उस शेयर का रेट बढ़कर हो गया 9000 रुपीज, एंड ये था आर्टिफिशियल लॉबिंग का इंपैक्ट। इस केस में 200 रुपए का एक शेयर अगर 9000 रुपए तक जा सकता है, और इतने कम समय में गया ये कि लोग हैरान हो गए, एंड लोगों ने अपने बोरोड फंड्स भी इस शेयर में इन्वेस्ट किए। बट जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का उनका रेट था वो समवेयर अराउंड 7-8000 रहेगा, और हर्षद मेहता ने पैसा कब से लगाया था, 200-500 रुपए से लगाया था। तो कंटिन्यूअसली जो डिमांड राइज, डिमांड बढ़ने का रीजन था, दैट वाज हर्षद मेहता अलोन, एंड प्राइजेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। इतना हेवी डिमांड साइड इंपैक्ट करने के लिए हर्षद मेहता तो अब जो करोड़पति रहना चाहिए, ओके? ये जो पैसा उसने डाला ये पैसा उसका नहीं था। ये पैसा का लॉजिक कहां से आया, क्या पॉइंट क्या था, पैसा आया कहां से, वो हम लोग आज देखेंगे। ये रिटर्न बाय द वे कितना परसेंट होता है पता है आपको, अगर आप परसेंटेज रिटर्न निकालो तो ऑलमोस्ट 40
5% का रिटर्न आता है क्या? 45 टाइम्स का नहीं है वो ऑलमोस्ट 4500% का रिटर्न दिया. जितना पैसा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 4500% रिटर्न आपको मिलेगा. एंड दिस वॉज बुल फेज वॉट ही क्रिएटेड. बुल फेज इज फेवरेबल फेज इन मार्केट. ओके एंड देखिए अभी स्लोली स्लोली तो ऐसा फेज आया कि लोग हर्षद मेहता को पूछते थे अब कौन सा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा. एंड पूरा रिमोट कंट्रोल हर्षद मेहता के हाथ में हो गया था क्योंकि जो वो लॉबी में जो भी शेयर वो लॉबिंग करता था उसका शेयर प्राइस तो बढ़ना ही है. इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किए थे ये स्कैम में उसने इतना पैसा लाने के लिए? तो इंस्ट्रूमेंट्स थे रेडी फॉरवर्ड डील बोलते हैं उसको, आरएफ डील बोलते हैं इसको, एंड बैंक रिसीट. ओके ट्रांजैक्शन एक ही है, दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, रेडी फॉरवर्ड डील एंड बैंक रिसीट. एग्जैक्टली क्या था ये फंडा रेडी फॉरवर्ड डील एंड बैंक रिसीट का? देखिए रेडी फॉरवर्ड डील का कुछ फीचर समझ लीजिए. रेडी फॉरवर्ड डील इज अ सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन व्हिच इज गिवन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 15 डेज वगैरह. दोस्तों इस केस में होता क्या एग्जैक्टली समझ लो. आप सबको पता है कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए कुछ अलग अलग काम के लिए पैसों की जरूरत गिरती है. गवर्नमेंट क्या करता है, बैंक्स को कंपल्शन करता है कि तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसको हमने इकोनॉमिक्स में मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना. राइट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है आपको पता है, गोल्ड रिजर्व रखा जाता है एंड ऊपर का रिजर्व आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रख सकते हो. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट को एक तरफ से कंपल्शन है. अब जब जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत गिरती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बेचती है. मार्केट में बेचती है मतलब मेनली किसको बेचती है, बैंक्स को बेचती है. फिर बैंक को ये खरीदना जरूरी है एंड बैंक जब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है तो ऑब्वियसली उनका लिक्विडिटी ब्लॉक होता है. जब ये लिक्विडिटी ब्लॉक होता है तो बैंक के पास दूसरा चॉइस होता है कि बैंक इसको रेडी फॉरवर्ड डील के तौर पे किसी और बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए बेच सकती है. अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक बैंक ए हूं मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं बैंक बी को ये बेच सकता हूं. ओके तो मैं जब बैंक बी को बेचूंगा तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है बैंक बी कौन है, खरीदेगा नहीं खरीदेगा. और बैंक ए और बैंक बी के बीच का डील जो होता है वो ब्रोकर के थ्रू होता है, रेडी फॉरवर्ड डील बोलते हैं इसको. नाउ बैंक लेंड देम अगेंस्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो एक बैंक जब दूसरी बैंक को रेडी फॉरवर्ड डील बेच रहा है तो वो किसके अगेंस्ट बेच रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बेच रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचूंगा एंड सामने वाला उसे खरीदेगा, दूसरा बैंक उसे खरीदेगा. अंडरस्टूड? एंड जब दूसरा बैंक उसे खरीदेगा तो मेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको दूंगा और उससे पैसा लूंगा. आर यू गेटिंग इट? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रेडी फॉरवर्ड डील. Now, broker usually brings together two banks for this deal and obviously he gets his commission. तो broker का role यहाँ पे क्या रहना चाहिए, bank A, bank B के बीच में deal कराए, अपना commission लेके बाहर निकल जाए. आपको क्या लगता है bank A and bank B एक दूसरे को पैसा direct देता है, broker के through देता है? बस इसी का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया था उस वक्त. Okay. The securities and payments were delivered through brokers in settlement process. ये प्रॉब्लम था इस पूरे स्कैम में कि ये जो पेमेंट्स होते थे और ये जो सिक्योरिटीज इश्यू होती थी ये ब्रोकर के थ्रू होती थी, पूरा सेटलमेंट ब्रोकर के थ्रू होता था. अब ऐसे केस में इन सच अ सेटलमेंट बैंक में इवन नॉट नो कि कौन से दूसरे बैंक के साथ उनका डील चल रहा है, उसको नेकेड डील बोलते हैं. जामने सामने वाले को पता ही नहीं, पता ही रहता है दूसरा बैंक कौन सा है जिसके साथ डील हो रहा है. एक बैंक पैसा दे तो रहा है बट किसको दे रहा है पता नहीं है, और जो ले रहा है उसको भी पता नहीं है कि किस बैंक से वो पैसा ले रहा है. रेडी फॉरवर्ड डील कैसे वर्क करता है, एक बैंक दूसरा बैंक है, ये बैंक के पास सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक सिक्योरिटीज है, दूसरे बैंक के पास पैसा है, तो ब्रोकर के थ्रू ये डील होगी, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा. दूसरी बैंक जिसके पास पैसा है वो पहली बैंक को क्या करेगा, लोन देगा और पहली बैंक बदले में सिक्योरिटी देगा. सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है, गारंटी के तौर पे कुछ नहीं चाहिए ना, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूसरी बैंक के पास देने पड़ेंगे. एंड ऐसे केस में पूरा डील जो होगा वो एक मीडिएटर के थ्रू होगा जिसको हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, और ये ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा था हर्षद मेहता. अब ऐसे केस में एग्जैक्टली एक बैंक है सपोज बैंक ए. ओके इसने क्या किया, देखिए अभी सिस्टम कैसे स्टार्ट किया इसने. बैंक ए है जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अब इसको पैसे की जरूरत है तो ये क्या करेगा, बैंक बी को पैसे का अप्रोच करेगा, नहीं करेगा. कैसे नहीं करेगा, बैंक बी उसको पता नहीं है,
बैंक बी के पास लिक्विडिटी है या नहीं है उसे पता नहीं है, वो क्या करेगा, एक ब्रोकर को अपॉइंट करेगा, ब्रोकर को बोलेगा मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये रख और मुझे पैसा लाके दे। तो हर्षद मेहता को वो सिक्योरिटीज मिलते थे कुछ टाइम के लिए। हर्षद मेहता बैंक ऐसे सिक्योरिटी लेता था और बोलता था रुको मैं बायर ढूंढ कर आपको पैसा लाके दूंगा। जब तक मीनवाइल वो क्या करता था, बैंक बी के पास जाता था, सिक्योरिटीज दे देता था, पैसा ले लेता था खुद के नाम पे। बैंक बी का सबसे बड़ा लूप होल प्रॉब्लम क्या था, बैंक बी वॉज गिविंग चेक इन द नेम ऑफ हर्षद मेहता। एंड बैंक बी को क्या बोलता था वो, रुको मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाके देता हूं, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना था वो क्या बोलता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं आपको लाके दूंगा, तब तक के लिए पैसा मेरे पास दो, मैं जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगी फिर आपको लाके दे दूंगा। इस बीच क्या हो रहा है, ये दो फेज के बीच हर्षद मेहता के पास बैंक सिक्योरिटी थी और पैसा था। कुछ टाइम के लिए बैंक सिक्योरिटी थी और बाद में पैसा आ गया, और फिर बैंक ए को पता ही नहीं है कि उसके सिक्योरिटी ऑलरेडी बैंक बी के पास चले गए और पैसा हर्षद मेहता के पास है, और बैंक ए को लग रहा है कि अभी भी हर्षद मेहता उसके लिए क्या अरेंज कर रहा है, बायर अरेंज कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? एंड वो जो पैसा उसके पास आता था वो कहां इन्वेस्ट होता था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता था, और इसीलिए इतने शेयर मल्टीपल टाइम्स आगे बढ़ते थे क्योंकि पैसा बहुत लगता है इतना वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। अगर मीनवाइल आपको लगता है कि बैंक ए और बैंक बी इनके बीच में डील तो हुई नहीं अभी तक, हर्षद मेहता के पास क्या है, कैश आ चुका है, पैसा आ चुका है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहां चली गई है, बैंक बी के पास चली गई है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक ए को पैसों की जरूरत है और बहुत टाइम हो गया सिक्योरिटी देकर, तो बैंक ए पीछे लगता था हर्षद मेहता के, अब हर्षद मेहता के पीछे लगता तो हर्षद मेहता क्या करता था, स्टॉक मार्केट से शेयर बेचकर उसको पैसा वापस दे देता था। ये तब तक सही चलता रहा जब तक मार्केट में बुल फेज है, बुल फेज पता है आपको, राइजिंग प्राइसेस का फेज है, जब तक शेयर्स के दाम बढ़ रहे तब तक बैंक्स को पैसा देना बहुत आसान है उसके लिए। अभी तक तो उसको एक ही सिस्टम समझी थी कि इस बीच एक थोड़ा सा टाइम गैप क्रिएट कर लेगा, ये दो ट्रांजैक्शन के बीच टाइम गैप क्रिएट कर लेगा और उस टाइम गैप का फायदा उठाओ, मार्केट में इन्वेस्ट करो, एंड शेयर प्राइस बढ़ते साथ ही मार्केट से बेचो एंड बैंक ए को पैसा दे दो। यहां तक कि उसके दिमाग में प्लान था, स्कैम इतना बड़ा नहीं हुआ था। स्कैम तब बड़ा हुआ जब हर्षद मेहता को और पैसा कमाने की लालच आई और उसने क्या किया, अगली बैंक को पकड़ा, खुद के मार्केट के शेयर्स बेचे नहीं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ए को अगर पैसों की जरूरत है तो बैंक ए को पैसों की जरूरत रहने के वक्त उसने इनिशियली क्या किया, शेयर मार्केट से स्टॉक बेचकर पैसा दिया। अब ऐसा करना उसने बंद कर दिया, उसने अब बैंक सी को पकड़ा जिसके पास पैसा है और बैंक सी को बोला मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ला के दे सकता हूं, तब तक के लिए आप मुझे पैसा दे दो। एंड बैंक सी ने क्या किया, हर्षद मेहता के नाम से चेक ड्रॉ किया, हर्षद मेहता के नाम से चेक ड्रॉ किया और हर्षद मेहता ने क्या किया, वो पैसा बैंक ए को दे दिया। आर यू गेटिंग इट? यहां से चेन इफेक्ट शुरू हो गया। यहां से क्या हुआ, हर्षद मेहता का जो इन्वेस्टमेंट था ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, उसको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी और फिर हर्षद मेहता एक बड़ा आदमी बनना शुरू हो गया। और जब भी आप सोच रहे होंगे सर व्हाट अबाउट बैंक बी, सर उसने अगर पैसा मांगा तो क्या, तो है ना बैंक डी अपने पास, बैंक डी के पास सिक्योरिटी रहेगी ना, तो बैंक डी के सिक्योरिटी वापस से किसी और को देकर पैसा अरेंज कर वापस से किसी और बैंक को पैसा दे दो। ये कंटिन्यूअसली चलता गया, इसको बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड डील का चेन सीरीज जो उसने शुरू किया था, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक। ये आपने ऑडिट में भी टर्म सुना है, पैसा क्या बोलते हैं इसे, गिविंग एंड लेडिंग, ये पढ़ा है आपने। एंड यही कंसेप्ट बस हर्षद मेहता ने यूज किया एंड यहां पर चेन सिस्टम की वजह से इतने वॉल्यूम में उसके पास पैसा आने लग गया कि वो मुंबई का हाईएस्ट टैक्स पेयर भी बन चुका था एक टाइम के लिए। एंड बीएससी में पूरा रिमोट कंट्रोल हर्षद मेहता के हाथ में आ गया, ऐसा हो गया जो भी शेयर्स को वो टैप करता था वो शेयर के प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड कर पाता था कि क्या हो गए। ऐसे केस में बहुत ज्यादा पैसा आया, ये देखिए जो सिक्योरिटी का अगर आपको लॉजिक समझ नहीं रहा तो ये स्लाइड देखिए आपको समझ जाएगा सिक्योरिटी पैसा, सिक्योरिटी पैसा क्या होता है। सपोज हर्षद मेहता एक कस्टमर है, उस शॉप के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे सामान दे दो, और फिर वो बोलता है अरे मैं तो वैलेट भूल चुका हूँ। तो हर्षद मेहता अगर है एक कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर, मैं आपको बहुत साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर्षद मेहता की जगह आप भी आ सकते हो, आप एक नॉर्मल कस्टमर, आप शॉप पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, सपोज शॉप वाला आपको पहचानता नहीं है और आप बोलते हो कि अरे मुझे ये चीज खरीदनी है बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो शॉपकीपर बोलता है ठीक है एक काम करो आपका ये चीज यहाँ पे रख दो, आप पैसा लाके दे दो फिर ये आपकी चीज वापस ले जाना, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी।
बस ऐसे ही हुआ था, सपोज यहाँ पे हर्षद मेहता को कोई चीजों की जरूरत है कि वो शॉप के पास जाएगा और शॉप को बोलेगा ये लो ये सिक्योरिटी की मेरे पास, ये आप मेरी सिक्योरिटी आपके पास जमा कर लो और मुझे बदले में जो चीज चाहिए वो दे दो। ये सिक्योरिटी का कंसेप्ट हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हर्षद मेहता ने ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे बैंक्स के थ्रू यूज किया। बैंक्स के अंदर क्या होता था, एक बैंक बोरिंग बैंक है उसको पैसों की जरूरत रहती थी, वो अपनी सिक्योरिटी किसको देता था, दूसरी बैंक को, और दूसरी बैंक बदले में क्या देती थी, पैसा देती। बट इस सिस्टम में बीच में ये ऊपर पर्सन जो है वो रहता था, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता क्या करता था, ये सिक्योरिटी और पैसों के गैप को यूज करता था स्टॉक मार्केट में। बैंक रिसीट, जब एक बैंक को पैसा मिल जाता है तो बैंक रिसीट जनरेट करता है कि हमको पैसा मिल चुका है। इट शुड एक्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर अनदर बैंक। इसने ये सीरीज को इतना आगे बढ़ाया कि दूसरी बैंक्स को ये फेक बैंक रिसीट्स भी देता था। दूसरी बैंक को लगता था हाँ मेरा पैसा सेफ है क्योंकि मेरे को बैंक रिसीट मिल चुका है किसी और बैंक का, जिसको भी हमने लेंड किया है बोरिंग बैंक को, वो बोरिंग बैंक का फेक रिसीट जनरेट करता था और इसको दे देता था पहली बैंक को। पहली बैंक को लगता था वी आर सेफ, और दूसरी बैंक को लगता था कि हर्षद मेहता उसके लिए अभी तक फंड अरेंज कर रहा है, जबकि हर्षद मेहता ने उसके लिए फंड भी अरेंज कर लिए थे और रिसीट भी अरेंज कर ली थी किसी और बैंक को देने के लिए। बोरोअर्स दैट इज द सेलर ऑफ सिक्योरिटी गेव द बायर ऑफ सिक्योरिटी अ बैंक रिसीट। ओके, एंड बैंक रिसीट के तीन मेन फीचर ये थे कि इट कंफर्म्स द सेल ऑफ सिक्योरिटी। पहली बात तो किसी और बैंक जिसको भी ये बेचा गया उसको कंफर्म हो जाता कि सेल हो चुका है। देन इट स्टेट्स द सिक्योरिटी आर हेल्ड बाय द सेलर और दी बायर, मतलब जो भी बायर है उसके पास वो सिक्योरिटी आ चुके, ये एक कंफर्मेशन टाइप एक्ट करता था बैंकिंग सिस्टम में। एंड तीसरी चीज, इट एक्ट्स एज अ रिसीट फॉर द रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द सेलिंग बैंक। जो भी बैंक बेच रहा है सिक्योरिटीज उसको एक रिसीट टाइप रिसीट मिल जाता था जिसके थ्रू प्रूव होता था कि हमारा पैसा दूसरी बैंक के पास जा चुका है। ये रिसीट्स जो फेक रिसीट्स बने थे हर्षद मेहता ने ऑब्वियसली बैंक एम्प्लॉयज के साथ, बैंक के साथ टाइप करके फेक रिसीट बनाना शुरू कर दिया था। हर्षद मेहता नीडेड बैंक्स विच कुड इशू फेक बैंक रिसीट्स और बैंक रिसीट्स नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। टू स्मॉल बैंक्स ही टाइड अप विथ, बैंक ऑफ कराड एंड मुंबई मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक्स के साथ उन्होंने टाइप किया फेक बैंक रिसीट देने के लिए मार्केट में। एंड देन वंस दिस फेक बैंक रिसीट्स वेर इशूड दे वेर पास्ड ऑन टू अनदर बैंक एंड द बैंक गेव मनी टू हर्षद मेहता। ऐसे कर करके फेक रिसीट्स के थ्रू किसी को समझा भी नहीं कि हो क्या रहा है और पैसा पूरा हर्षद मेहता यूज करता था स्टॉक मार्केट में। अब एग्जैक्टली इतना इजी था क्या जो दिख रहा है, वो एक का पैसा लो दूसरे को दो? देखिए बहुत उसने इस काम को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा, फेक रिसीट्स भी बनाई रहेगी तो उसने बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी से बनाई, बिकॉज इतने साल तक वो स्कैम चलता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं क्या हो क्या रहा है। इस केस में हर्षद मेहता एक ब्रोकर है, उसने बोरिंग बैंक को ढूंढा जिसको पैसों की जरूरत है, उसने लेंडर बैंक को ढूंढा जिसको पैसा देना है। बोरिंग बैंक के पास क्या होना जरूरी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो क्या करेगा, बोरिंग बैंक दूसरे बैंक को देगा, और जब देगा तो ऑब्वियसली दूसरी बैंक उसको पैसा देगी। दूसरी बैंक जब पैसा देगी तो ये बैंक बोरिंग बैंक बैंक रिसीट देना चाहिए। ये बैंक रिसीट कौन देता था, हर्षद मेहता देता था उस बैंक के बिहाफ पे, लीगल नहीं था फेक रिसीट था। एंड लेंडर बैंक का जो पैसा आता था वो उस बोरोइंग बैंक के पास जाता था क्या, नहीं, वो हर्षद मेहता के पास जाता था। बोरिंग बैंक को क्या लग रहा है, अभी तक फंड अरेंज हो रहे हैं। लेंडिंग बैंक को लग रहा है कि हमने पैसा दे दिया क्योंकि हमारे पास तो बैंक का रिसीट भी पहुंच गया है। इस तरीके से कोई लूप होल नहीं रहते हुए उसने सिस्टम को बराबर रन किया। एक ही प्रॉब्लम था इस पूरे सिस्टम में, लेंडर बैंक ने कभी ये नहीं सोचा कि उसने हर्षद मेहता के नाम पे क्यों पैसा दिया, और रादर उनको ऐसा बोलो आरबीआई नॉर्म से पता नहीं दिया। इनफैक्ट आरबीआई नॉर्म ये है कि हम लेंडर बैंक है तो हमने डायरेक्टली बोरर बैंक के नाम पे चेक देना चाहिए। बट इतने सारे डील्स अरेंज करने के बाद बैंक्स को भी भरोसा हो गया कि ये ट्रस्टेड ब्रोकर है जिसको हम आसानी से चेक दे सकते हैं और ये हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में बेच सकता है। एक्सपोजर ऑफ दिस स्कैम वॉज डन बाई दिस जर्नलिस्ट, ओके, सुचिता दलाल। एक्चुअली ये जर्नलिस्ट मतलब फुल स्कैम वगैरह डिटेक्ट करने वाली जर्नलिस्ट नहीं थी, शी वॉज जस्ट अ कॉमन कॉलम राइटर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड शी फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज्ड कि ऐसा कुछ हो रहा है इन द ईयर 1992। एंड
ये स्कैम तब सामने आया जब इसने पूरा स्टडी किया कि हो कैसे रहा है। अल्टीमेटली कुछ लोग ये सोचने लगे अचानक से बीएससी में ऐसे उछाल कैसे आ रही है, शेयर प्राइजेस कैसे बढ़ रहे हैं, ये सबका दिमाग चल रहा था, बट बैकग्राउंड में इसका स्टडी वर्क कर रही थी ये। और ये जब सामने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा आर्टिकल दिया तब जाके ये स्कैम का सबको समझा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड फिर उसके बाद सेबी, बीएससी, इन सब लोग चौंकना हो गए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और फिर बाद में स्कैम का छानबीन किया और फिर पता चला कि तलवार से इतना अटैक नहीं हो सकता है जितना अटैक पेन से भी हो सकता है, राइट। तो जो सुचिता दलाल का आर्टिकल था वो आर्टिकल ने सब काम किया ये स्कैम एक्सपोजर के लिए। एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कैम क्या था देख लीजिए, अभी सेंसेक्स जो 4500 तक पहुंच चुका था उस वक्त वो सीधा 2500 पर आ चुका था, मतलब मार्केट से ज्यादा नहीं, पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, 1 लाख करोड़ से फॉल हुआ, 1 लाख करोड़ से फॉल हुआ। इसका मतलब शेयर्स के दाम ड्रास्टिकली फॉल हुए। एंड इस पूरे फेज में लिबरल पॉलिसी 1991 में आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलपीजी का स्कीम लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें लिबरलाइजेशन पे रोक ला दी गई, प्राइवेट बिजनेसेस को जो बिजनेस करने की छूट देने की बात कर रहे थे उस छूट पे थोड़ा रोक लाया, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम सामने आने के बाद में इंडियन अथॉरिटीज को लगने लगा छूट देना ये गलत है। ओके, फिर इनएबिलिटी ऑफ इंडियन कंपनीज हो चुकी थी, वर्ल्ड मार्केट से पैसा रेस करना है तो गवर्नमेंट ने रुका दिया था। जैसे ग्लोबलाइजेशन में बोला गया था कि आप पैसा भी बाहर से ला सकते हो, ये जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो था गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए रुका दिया था। आपको याद होगा 1991 में इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स इन इंडिया अलाउ नहीं किया बैंक ने, 1992 से स्टार्ट हुआ वो, जबकि ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। तो बाहर से जो पैसा लाने के लिए रोक ला दी गई एक साल के लिए, इट वॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्कैम पूरा इंडियन मार्केट हिल चुका था, स्टॉक मार्केट। बैंक रिसीट्स वेर रिमूव्ड बाय आरबीआई, फेक रिसीट्स थे इसलिए ये सिस्टम ही हटा दिया गया। एंड द टोटल लॉस टू बैंक्स वाज अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ टू 4000 करोड़, ये बैंक्स का लॉस है। ओके, इसकी वजह से शेयर मार्केट बहुत खतरनाक डाउनफॉल में आया, जिसको कौन सा फेज बोलते हैं, बेरिश फेज बोलते हैं। सेबी द सिक्योरिटी रेगुलेटर ऑफ इंडिया, इन्होंने इनफैक्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स का जो अप्रूवल दिया था कि आप बिजनेस कर सकते हो वो अप्रूवल भी रुका दिया कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के लिए मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए कोई प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स को अलाउ मार्केट में नहीं किया, ताकि मार्केट बैलेंस रहे और लोगों का पैसा सेफ रहे। बट इस केस में लोग ऑलरेडी इतना हार चुके थे कि और निवेश करने का तो सवाल ही नहीं आता। इस पूरे स्कैम में हर्षद मेहता का यह भी स्टेटमेंट है कि उसने कांग्रेस पार्टी को 10 मिलियन पैसा दिया है। ओके, तो ये स्कैम में इनडायरेक्टली ऐसा बोलते कि कांग्रेस पार्टी का भी हाथ था। इंपैक्ट ऐसा था, देखिए जनवरी 1992 जब ये स्कैम की ऑलमोस्ट शुरुआत हुई थी, सेंसेक्स वाज बिलो 2500 एंड फिर बिल्कुल कम समय में आप देख सकते हो, मई तक भी नहीं पहुंचे हम लोग, कितने महीने हुए, हार्डली 4-5 महीने हुए और सेंसेक्स कहां पहुंच चुका है, 4500 पर। ये पूरा जो बुल फेज रैली लाया था ये पूरा हर्षद मेहता ने लाया था। एंड फिर ये स्कैम एक्सपोज हुआ एंड उसके बाद देखिए डाउनफॉल, कंटिन्यूअसली डाउनफॉल, एंड फिर मार्केट टच हो गया 2500, मतलब विद इन अ ईयर मार्केट वापस उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे पहले था। ये पूरा फेज हर्षद मेहता स्कैम का फेज था। इसमें नो डाउट अबाउट इट कि हर्षद मेहता ने बहुत पैसे कमाए, उससे ज्यादा पैसे फिर गमाए भी, और फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड ये सेक्शंस वो सेक्शंस के तहत उनको सजा भी हुई। देखते एग्जैक्टली इंपैक्ट ऑफ दिस स्कैम वाज सच दैट सेबी बैंड हर्षद मेहता फ्रॉम ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर लाइफ टाइम ही वाज नॉट अलाउड टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। नेकेड शॉर्ट सेल जो होता था वो बैन कर दिया गया, मतलब एक बैंक दूसरी बैंक को सिक्योरिटी देकर पैसा ले रहा है, किस बैंक से ले रहा है पता नहीं है, इसको नेकेड डील बोलते हैं, ये बंद कर दिया गया। इसके अलावा पोस्ट मेहता स्कैम जो हुआ था 1992 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने सेबी एक्ट 1992 पास किया था।
सेबी एक्ट वॉज ऑलरेडी फॉर्म्ड, पहले सेबी एक्ट ऑलरेडी था, उस एक्ट में जो लूपहोल्स थे उसको कवर करने के लिए इन्होंने सेबी एक्ट 1992 लाया था, तो इसको तो हर्षद मेहता एक्ट 1992 भी बोलते हैं। और ये एक्ट लाया गया था बिकॉज जो प्रीवियस एक्ट था उसका लूपहोल कवर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। रेगुलेटरी एक्शंस क्या लिए गए थे हर्षद मेहता के अगेंस्ट, नो डाउट अबाउट इट, उसको अरेस्ट किया गया था। He was charged with 72 criminal cases and 600 civil cases. इतने केसेस उसके अगेंस्ट फाइल थे, बट अब ऐसे केस में आउट ऑफ दिस 27 क्रिमिनल केसेस ब्रॉट अगेंस्ट हिम ही वॉज ओनली कन्विक्टेड फॉर 4, चार ही केसेस की उनको सजा मिली बिफोर हिज डेथ एट द एज ऑफ जस्ट 47 इन द ईयर 2001. 2001 में उनका डेथ हुआ, उसके पहले उनको चार ही केसेस की सुनवाई या सजा मिली बोलो, और अभी तक और बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग थे। एंड इस पूरे केस में ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम स्टॉक मार्केट, मतलब थ्रोन अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बिल्कुल वो पर्सन या उससे रिलेटेड पर्सन भी वो उसमें एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि वो जो कंपनी फॉर्म की थी वो उसके भाई के साथ मिलकर की थी, नो डाउट अबाउट इट, पूरी फैमिली बार्ड कर दी गई थी, क्योंकि वही पैसा किसी और मेंबर को पास ऑन करके अननेसेसरली वापस यूज ना हो, इसलिए ही वॉज बैंड, हिज ब्रदर वॉज बैंड फॉर लाइफ टाइम। मेहता वॉज कन्विक्टेड बाय बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर हिज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल विच वॉज वर्थ 4,999 करोड़ रुपीज। ये नंबर आपको आजकल कम लग रहा होगा क्योंकि इससे बड़े बड़े स्कैम इंडिया में इसके बाद हो चुके, बट ये तब हुआ था जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सोचिए इस पैसों का क्या रहेगा, उसका परचेसिंग पावर आज की डेट में क्या रहेगा, आप ये सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। तो उस बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्कैम यही था, क्योंकि परचेसिंग पावर ऑफ मनी वाइज ये इतना बड़ा अमाउंट का स्कैम तब के फेज में कभी नहीं हुआ था। द स्कैंडल वॉज एक्सपोज्ड एंड द लूपहोल्स इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सिस्टम एंड सेबी वेर ऑल कवर्ड बाई न्यू रूल्स। ये सब में जो लूपहोल्स थे नए रूल्स बना के उसको कवर किए गए, एंड डेथ हुआ हर्षद मेहता का ऑब्वियसली जुडिशियल कस्टडी में, तब वो थाने इम्प्रिजनमेंट में था। अचानक से 31 दिसंबर को चेस्ट पेन का उसको प्रॉब्लम होने लग गया, लेट नाइट 31 दिसंबर को जब न्यू ईयर सब लोग मना रहे थे, एंड ये पर्सन बोलता है मेरा अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है, उसको हॉस्पिटल ले गया एंड उस वक्त उसका डेथ हो गया। इस पूरे फेज में जब उसने स्कैम किया था और किसी को पता नहीं था, उस फेज में उसके पास नाम लो वो फॉरेन का व्हीकल उसके पास था, टॉप मोस्ट ब्रांड ऑफ वर्ल्ड जो मुंबई के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पास भी नहीं था, ये सब उसके पास था। बट कुछ ही महीनों में कुछ नहीं रहा, बराबर स्कैम के एक्सपोज होने के कुछ ही महीनों बाद कुछ भी नहीं था उसके पास, ही वॉज इन डेथ, ऑब्वियसली जेल में था, डेथ हो गया। दिस वॉज ऑल द फैक्ट्स अबाउट हर्षद मेहता केस। ये पूरे फैक्ट्स जो भी हमने देखे ये स्टूडेंट्स ने ही अरेंज किए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने ये फैक्ट्स इकट्ठा करने में, ये सभी स्टूडेंट्स की वजह से ये प्रेजेंटेशन पॉसिबल था। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो जब भी मार्केट से बात, मार्केट की हद तक बात करो, तो कभी भी इन्वेस्ट करते वक्त वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू।